हेलो किड्स, आज जो है हम घड़ी की सहायता से समय देखना सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से। तो अभी तक बच्चों आप क्या करते थे, मम्मी के पापा के पास जा जाके समय पूछते थे क्या टाइम हुआ है, क्या कितने बजे हैं। तो लेकिन आज के बाद आप खुद दौड़ दौड़ के उनके पास जाएंगे और समय बताएंगे। तो बच्चों आपको पता है कि घड़ी के अंदर 3 नीडल्स होती हैं, सबसे लंबी वाली इसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। क्या बोलेंगे इसको? मिनट हैंड। इस वाली को क्या बोलेंगे? आवर हैंड। और जो सबसे पतली लंबी है उसको सेकंड हैंड बोलेंगे, ठीक है? ये जो वाली है इसको सेकंड हैंड बोलेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि इनमें से सबसे बड़ा क्या होता है, इनमें से सबसे बड़ा क्या होगा आप बताओ? जब आपका एग्जाम होते हैं फाइनल एग्जाम, तो वो कितने आवर्स के होते हैं? आवर्स में होते हैं ना, वो 3 आवर्स का, तो यानी वो सबसे लंबा होता है। तो सबसे लंबा क्या हुआ? आवर हुए। फिर उसके बाद आपके जो यूटीज होते हैं वो कितने होते हैं? या तो 30 मिनट के या 45 मिनट्स के। तो आवर से छोटा क्या हो गया? मिनट हो गया। और उससे भी छोटे जैसे आप दौड़ लगा रहे हो या कोई कंपटीशन हो रहा है आपके गेम्स वगैरह में, तो वो जो दौड़ है जंप वगैरह है वो सेकंड्स के अंदर होती है। तो यानी कि सबसे छोटा क्या है? सेकंड्स है आपका। तो अभी आपको पता चल गया सबसे बड़ा आपका आवर है, घंटे हैं, उसके बाद मिनट है और सबसे छोटा सेकंड है। तो हमें ये पता है, अभी तक हमें ये पता है कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 मिनट कब कंप्लीट होंगे? ये 60 मिनट आपके जब ये मिनट वाला जो हैंड है ये 12 पे से घूम के वापस से रोटेट करके दोबारा से 12 पे आ जाएगा, तो आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे? 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चेक करें कितने कैसे कंप्लीट होंगे। तो देखो अब यहाँ से क्या हो गया कि ये जो 12 से 1 के ऊपर आएंगे तो कितने का गैप है? यहाँ पे आपको छोटी छोटी ब्लैक कलर की डंडी दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये मिनट को डिनोट कर रही है। यानी जब मिनट वाला हैंड 12 पे से 1 पे आएगा, आर वाला तो किस पे है? 11 पे। तो 11 बज के कितना मिनट हो जाएगा? 5 मिनट। तो चेक करें इसको, एक बार चेक करके देखते मिनट वाला हैंड कैसे होगा भाई। ये देखो ये अब कितने पे आ गया? 5 पे आ गया। तो क्या टाइम हो गया? 11:05, या क्या बोलेंगे इसको? 11:05। अब जैसे इसको हम A1 से 2 पर जाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे? यहाँ कितना गैप है? 1, 2, 3, 4, यानी हर के अंदर 5 का गैप है। तो अगर आप अभी तक आई थिंक आपने 5 की टेबल सीख ली होगी, तो 5 की टेबल अगर आपको आती है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जिस पे भी आपका मिनट का हैंड आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप मिनट का हैंड इसमें आप देख रहे हो किस पे? 1 पे है, तो 5 बन जा 5, तो 11:05। अगर बच्चों मैं इसको इस मिनट वाले हैंड को 2 पे कर दूं तो बताओ क्या टाइम हो जाएगा? 5 2 जा कितना होता है? 5 2 जा 10, तो 11:10, 11:10 हो गए। अगर अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 पे जिससे भी हम जाएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर 2 और 3 के बीच में आ गया तो क्या करेंगे आप? 2 और 3 के बीच में आ गया तो कैसे बताओगे बच्चों? तो आपको पता है 2 पर आया था तो 10 था, उससे आगे काउंट कर लो 11, 12, 13, यानी 11:13 टाइम क्या हो गया? 11:13। अब अगर अच्छा ये मुझे बताओ, अगर ये मिनट वाला जो हैंड है मैं 6 पे कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? 11:05, 6 जा 30, क्योंकि सभी ये पता है ना आपको 5 कैसे आया, इन सब के बीच में जब हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पे जंप कर रहे हैं तो कितना गैप है 5 का है, इसलिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5, 6 जा 30, तो टाइम क्या हो गया? 11:30। अगर 6 से 7 के बीच में मैं कर दूँ तो ये बताओ कितना हो गया? यहाँ पे कितना है? 30, तो 6 तक हो गया था, आगे काउंट कर लो 31, 32, 33, तो 11:33 जो हो गया, 11:33 हो गए। अगर बताओ बच्चों अगर मैं 9 पे कर दूँ तब क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे वापस से देखना आप 12 जो आपकी मिनट वाली निडल है या मिनट हैंड है ये किस पे 12 पे आने वाला है। तो ये 5 को वही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, तो ये 11:45। अब देखो जैसे ही हमारी बर्ली वाली निडल 12 पे आएगी तो 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 5 12 जा कितने होते हैं? 60, तो ये 11:60 हो गया। 11:60 यानी दोनों निडल अब देखो 12 पे आ चुकी है,
1160 का मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट में हमें बताया था, एक घंटा कंप्लीट हो गया। अभी हमने 11 से स्टार्ट किया था, अब देखो कितना बच गया, ये दोनों क्या आवर वाला हैंड भी किस पे आ गया, 12 पे, और मिनट वाला हैंड भी 12 पे, तो दोनों 12 पे है। तो यानी कि एक आवर कंप्लीट हो गया एक रोटेट करने पर, पूरा रोटेशन करने पर, तो अब ये 12 बज गए। अब आई थिंक आपको ये पता चल जाए कि आप कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो, कितने घंटे खेलते हो, तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। अब और नए नए वीडियोस और एक्टिविटीज गेम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नए नए गेम्स, नई नई एक्टिविटी वहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू।